आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू। वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपसे रिड्यूस दी फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन दी एक्सिस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सक्यूज मी कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है भाई, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं बात करूं इंटरसेप्ट फॉर्म की होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। मतलब कि राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर कोफिशियंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को ले रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट को, यहां पर क्या है 3x प्लस 2y, ये माइनस का 12 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। कंडीशन यही है कि भाई राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, 1। 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ जरा, आप बताइए। अगर मैं यहां पे 1 लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे कौन से रिसर्च कर रही हो इस पे, बताओ जल्दी से, ये मुझे हार्ट अटैक दिलवाएगी लड़की। भाई 12 से डिवाइड कर दो, ये इसके दिमाग में शादी बारात चल रही है अभी कि वहां का पनीर बढ़िया था, वहां का शाही पनीर टेस्टी नहीं था, फिर क्या खाया, अब बात समझ में आई ये कहां खोई हुई है। जरा देखो इधर, तो इसका मतलब देखो जरा, डिवाइडिंग बाय 12, किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई 12 से। जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 12 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको कट कीजिए, 3 4 यहां पर क्या आएगा 6, और यहां पे क्या आ जाएगा 1। तो x ओवर 4 प्लस y ओवर 6 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो हमें पता है जो x के नीचे होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, जो y के नीचे होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। इसका मतलब ये है कि x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, और y इंटरसेप्ट क्या है इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अब आ जाइए किस पे भाई, सेकंड वाली इक्वेशन पे, सेकंड पार्ट पे जरा ध्यान दीजिए। देखो सब कुछ ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। मैं क्या कर रहा हूं भाई, लिख देना डिवाइडिंग बाय 6, एक बार मैंने प्रॉपरली करके दिखा दिया है, ऐसे ही अब आपको आगे करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 ओवर 6x, 3 ओवर 6y, और यहां पे 6 ओवर 6। यहां पर जरा देखो, इस बार कटा नहीं, यहां पर कट गया, देखो तो जरा यहां पे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3, यहां पर कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ रहा है 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जरा ध्यान दीजिए, यहां तो x ओवर 3 आ रहा है, लेकिन यहां यहां पर 2 भी था, ओके सॉरी, जरा ध्यान दीजिए, ये 2 कहां जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी अगर डिनोमिनेटर में तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, और अगर ऊपर है तो क्या आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। और हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है भाई, x के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी है वो किसमें होना चाहिए डिनोमिनेटर में। क्या बात समझ में आ रही, अगर आपने ऐसे लिख दिया x इंटरसेप्ट 2 ओवर 3, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज x इंटरसेप्ट इज 3 ओवर 2, नॉट 2 ओवर 3। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं है वाली। यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर 1 ओवर 2 y, मतलब 1 ओवर 2 क्या ऐसे लिख दो प्रॉपरली, y ओवर 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रही बात या नहीं, तो यहां से x इंटरसेप्ट कितना मिल गया, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 ओवर 2, और y इंटरसेप्ट कितना होगा 2। अच्छा यहां पर क्या आएगा बेटा, -1/-2 आएगा, क्या आएगा -2, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से तो बीच में प्लस होना चाहिए, और यहां पे जो प्लस माइनस आ रहा है वो इस कांस्टेंट की वजह से आ रहा है, तो कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव होगा, इसीलिए यहां पर आंसर कितना आया होगा -2। तो यहां पर प्लस आना चाहिए, इसलिए इसको नीचे शिफ्ट कर दिया गया, सो वाई इंटरसेप्ट इज -2 नॉट 2। ठीक है, 1/2 भी नहीं लिखना है, वाई के जो नीचे है वो बी है। ठीक है, ये हो गया जी आपका। अब आ जाओ किस पर, थर्ड पार्ट पर। सर एक डाउट। हाँ जी,
यही करना है, ये कर नहीं सकते हैं, यही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई जरा, यहां पर देखो x है नहीं, तो 0 इंटू एक्स लिखा जा सकता है क्या, साथ में क्या है 3y, उधर जाकर माइनस का क्या हो जाएगा 2 है, प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब मुझे इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ जरा, माइनस 2 से, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, और माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 1। अब जरा ध्यान देना, यहां पर है 0 एक्स ओवर माइनस 2। अच्छा ये 0 कहां होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में चला गया, 0 कहां चला गया भाई, डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा भाई x ओवर माइनस 2 ओवर 0, ठीक है भाई। यहां पर क्या आ जाएगा y ओवर माइनस 2, ये 3 कहां चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, और राइट हैंड साइड में क्या है 1, तो यहां पर x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, इंटरसेप्ट ये है भाई नॉट डिफाइंड, ठीक है, और y इंटरसेप्ट कितना है, हमें पता है भाई अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। यहां पर y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 2 ओवर 3। क्या बात समझ में आ रही है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर है, नोट कीजिए।